हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडू लैब। इन टुडेज सेशंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर 1, क्लास 11, फिजिक्स। माई सेल्फ बख्तियार खान, हैविंग 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, एंड मैंने अभी तक 1000+ स्टूडेंट्स को गाइड किया ऑफलाइन मोड में। And today we are going to talk about chapter 1, unit and measurement. Today's class is about introductions. Let us begin our class today. The first important thing we must know in this chapter that why we need measurement. हम लोग को measurement क्यों करना है? Why we are talking about measurement? Why we need measurement? Measurement करने का क्या जरूरत है? Measurement करने का जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज हो रहा है, जो भी natural phenomenon हो रहा है, तो उसको समझने के लिए कि उसमें क्या behavior है, उसमें क्या बिहेवियर है, जैसे कोई भी नेचुरल फेनोमेन, जैसे लाइटनिंग हो गया, जैसे कोई बॉल हाइट से गिर रहा है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देयर वेलोसिटी ऑफ फॉल, देयर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, हाइट इट टेक्स टू रीच ग्राउंड। तो उससे हम लोगों को क्या होगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा कि बॉल कितने स्पीड से गिरा है, कितना वो ज़मीन पर चोट लगाएगा किसी को। तो इट हेल्प अस टू अवॉइड मिस हैपनिंग। जैसे लाइटनिंग हो रहा है, लाइटनिंग में कितना वोल्टेज है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि अगर वो वोल्टेज अगर इंसान पे गिर जाए तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है और कितना लाइफ को डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है। तो मेजरमेंट इज ऑल अबाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ दैट क्वान्टिटीज। क्वान्टिटीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फिजिकल क्वान्टिटीज। तो फिजिक्स इज नथिंग, फिजिक्स जो डील करता है वो नेचुरल फेनोमेन से डील करता है। फिजिक्स डील्स विद नेचुरल फेनोमेन का मतलब, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल्स के तौर पर लेता हूँ कि जैसे कोई एक बॉल है, वो किसी हाइट से गिर रहा है, ये हाइट है हमारा, ये ग्राउंड है, ये किसी हाइट एच से गिर रहा है, ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू नो, वी आर इंटरेस्टेड टू नो इट्स वेलोसिटी ऑफ फॉल, कि कितने वेलोसिटी से गिर रहा है, कितना टाइम टेकन टू रिच, सो दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली वी नीड टू नो द नेचर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, कि वो किस तरह का चोट पहुंचाने वाला है या कितने फोर्स से वो ज़मीन पर गिरने वाला है। तो इट विल हेल्प अस टू प्रिडक्ट द फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स जो करता है डील्स विद नेचुरल फिनोमेना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फिजिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स डील्स विद साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग समझ गए कि why we need to have a measurement, because physics जो deals करता है वो natural phenomenon से, और उस natural phenomenon को completely understand करने के लिए we must know the physical quantities involved in it, their values, their time, their velocity of fall. So physics deal with natural phenomenon and it is a science of measurement. So let us understand why we need a unit to express that physical quantities. हम लोग को unit क्यों चाहिए? Why we need to know the units? Let us understand why we need units. Units. तो first of all हमारे दिमाग में आता है कि जैसे कोई एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर समझते हैं जो बहुत तेज दौड़ता है, जो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत तेज दौड़ता है, उसको स्प्रिंटर बोलते हैं।
अगर उसे स्प्रिंटर से पूछा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना लेंथ ट्रैवल किया, एंड इफ ही सेज कि ही ट्रैवल्स 10, हाउ मच टाइम डज इट टेक इफ ही सेज 10? ये लेंथ अगर 10 बोल रहा है, अगर टाइम हमारा 10 बोल रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस चीज में बात कर रहा है. 10 किलोमीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है. बट इफ ही एक्सप्रेस दैट लेंथ इन मीटर और इन किलोमीटर, वी विल गेट टू नो दैट इन हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रैवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, कितना समय को, अगर समय को हम लोग डिफाइन करते हैं 10 मिनट या 10 सेकंड में, तो वी विल गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट स्प्रिंटर कि हाउ मच डज ही ट्रैवल एंड इन हाउ मच टाइम डज इट टुक टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. सो यूनिट हमें क्या देता है, एक रैशनैलिटीज प्रोवाइड करता है, रैशनैलिटीज प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड द फेनोमिनन. तो हमें क्या बताता है, ये यूनिट एक्चुअली में हेल्प आउट करता है. यूनिट्स गिव अस अ रैशनल अंडरस्टैंडिंग, गिव अस रैशनल मतलब समझ रहे हैं, एक मतलब कि सोच समझ के, रैशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज हो रहा है, रियल अंडरस्टैंडिंग या रैशनल अंडरस्टैंडिंग, या उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, एक रियल वैल्यूज क्या हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैशनल अंडरस्टैंडिंग. तो रैशनल अंडरस्टैंडिंग में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, यूनिट गिव अस अ रैशनल अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड, रैशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रैशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिकल फेनोमिनन, फिजिकल फेनोमिनन. तो यूनिट हम लोग को क्यों रिक्वायर्ड है, टू अंडरस्टैंड एनी फिजिकल फेनोमिनन कम्प्लीटली विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो यूनिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट. अगर मैं इसी को बोलूँ लेंथ, अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, वी गेट ए कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हाँ वो स्प्रिंटर ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है. टाइम अगर इसने बोल दिया कि आई हैव ट्रैवल टेक इट टू 10 मिनट्स, तो वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट द स्प्रिंटर हैज ट्रैवल 10 किलोमीटर इन 10 मिनट. तो ये हमें क्या बताता है, एक रैशनल क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है उस ऑब्जेक्ट का, उसके फिजिकल एक्ट का, कि क्या क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या टाइम टेकन किया. तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में हम लोगों को यूनिट अगर नहीं दिया जाए तो वील गेट सम वेग अंडरस्टैंडिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट कि वो क्या कर रहा है. तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को यूनिट में एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटीज जिसको हम लोग सब्जेक्ट टू मेजरमेंट करते हैं, एनी क्वांटिटीज विच इज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट, विच इज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट. लाइक एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा. दोज क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आता. दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, बेटर राइट इट, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर्ड love, hate, affections. So these are the quantities you cannot measure. कि किसी के पास कितना love है, कितना hate है, कितना affection है. हाँ, लेकिन हम लोग force measure कर सकते हैं, कितना distance travel किया, कितना time taken हुआ. जैसे sprinter के case में था, तो sprinter का हम लोग को complete understanding अगर चाहिए कि उसने कितना distance travel किया, कितना time में किया, तो we'll get the complete understanding about that physical act. बट लव, हेट एंड अफेक्शंस cannot be measured at any cost. उसको आप मेजर नहीं कर सकते. अगर वो मेजर कर लिए होते तो हम लोगों का जो लड़ाई झगड़ा, जो
जो एक पर भरोसा एक पर नहीं भरोसा जो होता है वो रहता ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर देते कि वो कैसा आदमी है। तो हम लोग किसी कुछ अरसों के बाद हम लोग किसी आदमी को पहचान सकते हैं। अगर ये हमारे पास मेजरमेंट रहता है तो हम लोग क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, है कि नहीं। तो यह फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मेजरमेंट ईजली, लाइक फोर्स, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा, है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट वी हैव टू क्वांटिटीज एक्चुअली। क्या पता क्या measurement of a physical quantity we must have two things are important. पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास यूनिट। तो टू एक्सप्रेस वी हैव क्यू इज इक्वल टू एन यू, वेयर क्यू इज द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी एन इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यूज, और यू इज द यूनिट्स। सपोज कीजिए हमारे पास फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर हम ये 10 लिखते हैं, 10 एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा? एन। ये हमारा क्या हो जाएगा? यू, क्यू एन यू। तो टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी वी मस्ट हैव टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्यू इज इक्वल टू एनी। सपोज कीजिए हमारे पास सपोज कीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास डिस्टेंस है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 किलोमीटर। अगर इस यूनिट को अगर हम दूसरे सिस्टम में लेके चल जाएं, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 मीटर इन अदर यूनिट्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। द नंबर क्यू इज दिस वन एंड एन इज दिस वन, एन इज दिस वन एंड यू इज दिस वन। 1000 मीटर एंड 1 किलोमीटर बोथ आर सेम एंड रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटीज। ये दोनों एक ही मतलब देता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है एक ही क्वांटिटीज को। तो हम ये लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 इज द मैग्नीट्यूड इन वन क्वांटिटी इन वन फिजिकल सिस्टम, एंड u1 इज द यूनिट इन वन फिजिकल सिस्टम, n2 इज द मैग्नीट्यूड एंड u2 इज इन अदर फिजिकल सिस्टम। सो बोथ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट गिव्स आउट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। Q जो है हमारा वो डिस्टेंस रहेगा n1 u1 में भी और n2 u2 में।
दो मैग्नीट्यूड आर चेंजिंग इन दम, वन बन रहा है 1000 किलोमीटर बन रहा है मीटर, बट दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम यूनिट। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसका न्यूमेरिकल्स होगा वी विल सी आफ्टर दिस सेशन और इन द नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू सी। अब हमारे पास सवाल उठता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहले हमारे पास क्या होता है, एम के एस सिस्टम। एम के एस मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। एक हमारे पास दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। एक होता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, F stand for foot, P stand for pound, S stand for second। तो हम लोग distance को, weight को, time को, तो हम डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है हमारा, ये वेट है हमारा, हमारा नहीं इसका टाइम है। तो डिस्टेंस, वेट एंड टाइम हम लोग थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड फुट ग्राम सेकंड। दिस थ्री सिस्टम्स आर नॉट एट ऑल यूज्ड इन अवर करंट सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वी आर नाउ यूजिंग एन एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम इंटरनेशनल। वी आर नाउ यूजिंग इंटरनेशनल। In SI system, we have seven fundamental units. Let us understand those fundamental units. तो SI system में हम लोगों के पास seven basic unit है। ये basic इतना basic है कि इसकी मदद से कोई एक दूसरा डेराइव यूनिट बनाया जाता है, इसलिए इसको बेसिक बोला जाता है। बेसिक यूनिट में हमारे पास लेंथ है जिसका हम लोग यूनिट लेते हैं मीटर, सिंबल एम यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम, केजी यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा बेसिक क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टेम्परेचर को केल्विन, तो हम लोग जो भी एक्सप्रेस करेंगे अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे। और केल्विन में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो मोस्ट ऑफ यू नो कि 273 से प्लस किया जाता है। मोल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में मोल क्या होता है, जैसे कि एक पेयर ऑफ शूज में कितना होता है, दो शूज होता है, तो मोल में भी कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मोल बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, जो कि हम लोग पढ़ने वाले नहीं है पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम लोग को बस जानना है कि ये सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है और उसकी मदद से हम लोग कोई डेराइव यूनिट निकाल सकते हैं। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे हमारे पास टू डी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, टू डी सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो एंगल सब्सटेंड करेगा, ये आर्क हमारे पास जो एंगल सब्सटेंड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, ये हमारा रेडियन होगा,
रेडियन, जैसे हम कोन खाया है आइसक्रीम वाला कोन, उस कोन में जो तुम्हारा एंगल सबस्टेंड करता है यहाँ पर, इस तरह से थ्री डी व्यू में सोचिए कि इस तरह से आपका सर्कल बनेगा, इस तरह से। तो ये सर्कल जो बनेगा, इस तरह का जो सर्कल बनेगा, इस तरह का जो सर्कल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो हमारा सॉलिड एंगल इसको बोलेंगे, ये हमारा सॉलिड एंगल होगा, ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये सॉलिड एंगल। इसको एक्सप्रेस करते हैं स्टेरेडियन में, ये गॉस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसको हम लोगों को यूज़ करना है। एसआई सिस्टम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जूल जो होता है वो वर्क का भी होता है, वो एनर्जी का भी होता है, इसमें कोहेरेंसी ज़्यादा बहुत आसान होता है। जैसे कि ये इसमें ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, ठीक है, पोटेंशियल का भी वोल्ट होता है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल यूनिट में एक्सप्रेस करने के कारण, इसका कोहेरेंसी अच्छा होने के कारण हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने फिजिकल मेजरमेंट में। तो ये था हमारा बेसिक कुछ फंडामेंटल यूनिट्स। होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये पॉइंट कि क्या चीज़ बोल रहा है, और इस पर हम लोग विस्तार करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है इसकी मदद से बेसिक फंड। अब चलते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है जो कि बेसिक यूनिट को रिक्वायर करता है। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज सेवन फंडामेंटल यूनिट, ऑल दोज सेवन फंडामेंटल यूनिट विथ टू सप्लीमेंटरी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स विथ टू सप्लीमेंटरी यूनिट्स। Units are fundamental quantities. हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, सेकेंड हो गया, एक्सेट्रा। और derived unit क्या होता है, derived units are derived from the fundamental units, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा डेराइव यूनिट है। वॉल्यूम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये एक्चुअली में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ से ही आया ये, लेंथ लेंथ लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं। जैसे एरिया को हम लोग, जैसे फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास को हम लोग, मास ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन
टाइम, और नीचे में ऑलरेडी एक टाइम है, नीचे में टाइम लगा दी। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम। तो डिराइव यूनिट समझ गया क्या होता है, कि जिसको फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया, जिसको फंडामेंटल यूनिट से निकाला जा सकता है। तो हम देख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, और डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे में ऑलरेडी टाइम है तो यहाँ पर भी टाइम आ गया, लेंथ टाइम इनटू टाइम। तो दिस इज हाउ अ डिराइव यूनिट इज डिराइव फ्रॉम अ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे 10^-1 रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे डेसी, 10^-2 अगर आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटी, अगर 10^-3 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मिली, अगर 10^-6 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, अगर हम लोग 10^-9 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं नैनो, अगर 10^-12 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पीको। होता बहुत है लेकिन इतना हम लोग रीडली यूज़ करते हैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में। तो ये था हमारा, और 10^-6 हो गया माइक्रो मिली सेंटीडेसी। तो ये था हमारा बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट एरर्स एंड मेजरमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट errors in the measurement, errors तो हम लोग डिस्कस करेंगे, और सेशंस बहुत अच्छा होने वाला है, न्यूमेरिकल्स हो गया, सब कुछ अच्छे से डील करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। होपफुली आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जस्ट फंडामेंटल पर ही काम किया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग को ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना है या ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, आई विल बी डेडिकेटली फॉर यू। मैं आप लोगों को डेडिकेटली वे में प्रिपरेशन कराऊंगा फॉर नीट एंड जेई मेन। मैं अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफलाइन में भी क्लास कराना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी अपना कुछ इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग। डीपीपी हो गया, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री में भी आपको चुटकियों में सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जो आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं वहाँ आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को उसमें रटने का ज़रूरत ही नहीं है, सारा एकदम कॉन्सेप्चुअल है और सब एकदम एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर उस लिंकिंग और चेन को अगर आप समझ जाइएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब पढ़ना बहुत आसान है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करना भूलिएगा नहीं, और होपफुली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सेशन।